पैसों की सबसे बड़ी खबर, किसान आंदोलन को लेकर सबसे बड़ा खुलासा जी हिंदुस्तान के पास। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, किसान आंदोलन के लिए फंड का पड़ा है टोटा। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के पास 25% फंड ही बचा हुआ है। किसान मोर्चा के पास लंगर लगाने के लिए भी अब फंड नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा को नया फंड मिलना बंद हो चुका है। बता दें कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद चंदा मिलना अब कम हुआ है और यही चिंता अब संयुक्त किसान मोर्चा के बीच में नजर आ रही है। आंदोलन को मिल रही खालिस्तानी फंडिंग भी रुक चुकी है। तो एक तरफ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात राकेश टिकैत कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चंदा, जो पैसा मिलता है, जो फंडिंग होती है, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आंदोलन जीवियों के अड्डे पर सन्नाटा, हंगामा जीवियों का धंधा हो गया मंदा, भीड़ हुई कम, किसान नेताओं का फूला दम, फंड हो गया खत्म तो लुट गया लंगर, पैसा हजम, किसान आंदोलन खत्म। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन के अंत की शुरुआत हो गई है। दिल्ली के बॉर्डर पर नजर दौड़ाएं तो वहाँ चहल पहल कम और सन्नाटा ज्यादा पसरा दिखने लगा है। टेंट घटते जा रहे हैं, ट्रैक्टर की तादाद कम होती जा रही है और इन सबसे बढ़कर यहाँ दिखने वाले लोगों की संख्या बेतहाशा कम होती जा रही है। जी हिंदुस्तान ने इसकी वजह की पड़ताल की तो बड़ा खुलासा हुआ और ये पता चला कि सारा खेल पैसे का है। फंडिंग के दम पर चल रहे किसान आंदोलन के लिए अब पैसे का टोटा पड़ गया है और यही वजह है कि यहां से भीड़ खिसकने लगी है, क्योंकि फंड न होने से प्रदर्शनकारियों का खास ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और ये कबूलनामा खुद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कर रहे हैं। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा के पास अब 25% ही फंड बचा हुआ है। आलम यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के पास लंगर लगाने के लिए भी फंड नहीं है और सबसे खास बात यह है कि फंड खत्म हो रहा है और नया फंड भी नहीं आ रहा है। दरअसल 26 जनवरी की हिंसा के बाद से आर्थिक सहायता मिलनी कम हो गई है। देशद्रोह का आरोप लगने के बाद किसान नेताओं को चंदा देने से लोग बच रहे हैं। साथ ही आंदोलन को जो खालिस्तानी फंडिंग मिल रही थी वो भी अभी रुक गई है। शुरू शुरू में किसान नेताओं को भारी चंदा और मदद मिली, लेकिन जिस तरह से आंदोलन की आड़ में उपद्रव मचाया गया उसके बाद से इन आंदोलन जीवियों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया। आंदोलन के पीछे विदेशी साजिश और खालिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद किसान नेताओं को मदद करने वालों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। जब तक पैसा था तब तक खूब तमाशा हुआ और जब पैसे खत्म हो गए तो आंदोलन का खत्म होना भी तय ही मानिए। हितेन विठलानी, जी मीडिया, दिल्ली। और ये चार तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चार तस्वीरें जो बता रही हैं, पैसा हजम और आंदोलन भी खत्म। आंदोलन के लिए फंड नहीं है, लंगर के लिए भी पैसों का टोटा पड़ चुका है, यानी चंदे वाला जो धंधा है वो मंदा पड़ गया है और बॉर्डर पर अब पसरा है सन्नाटा, क्योंकि अब तमाशा नहीं है तो वापिस लौट रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खुले तौर पर धमकी दी है। मुजफ्फरनगर महापंचायत में नरेश टिकैत ने धमकाया है, बीजेपी नेताओं को न्योता ना भेजे किसान। शादी ब्याह में बीजेपी नेताओं को न्योता ना भेजे किसान, न्योता दिया तो 100 लोगों के भोजन का जुर्माना लगेगा। तो ये किसान आंदोलन है जिसमें किसानों की कोई बात नहीं होती। आदेश मानो का आदेश भी करते हैं हम, सुना मानते हो सुना मान लो। एक तो ये देख लो, कोई भी आदमी उन्हें चिट्ठी ना दो भाई। अगले दिन उसके वहां से 100 आदमियों का खाना उसी आदमी ने वहां बना लाओ सके रख लो या उनकी चिट्ठी के उन्हें चिट्ठी देने के कर दो। 100 आदमियों का स्पेशल खाना पर ढेर बस उस पर ही हुई डल है जिसके वहां से जाओ। और ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, तीन तस्वीरें जो कि किसान आंदोलन की ये पूरी बात आपके सामने रखती हैं, जिसमें नरेश टिकैत की धमकी है, बीजेपी को न देना न्योता, न्योता दिया तो भुगतोगे। तो ये तीन तस्वीरें जो दिखाती हैं कि अब किसान आंदोलन में किसानों की बात नहीं होती, यहां धमकी दी जाती है और राजनीति की जा रही है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, राकेश टिकैत को महापंचायत के लिए नहीं मिली इजाजत। महाराष्ट्र के यवतमाल में बुलाई गई थी किसान महापंचायत।
आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के चलते महापंचायत की इजाजत नहीं मिली है। यवतमाल जिला प्रशासन ने दूसरी बार ये मंजूरी नहीं दी है। किसान महापंचायत ना होने पर अब धरने पर बैठने की धमकी भी दे डाली है। तो किसान महापंचायत की यवतमाल में इजाजत नहीं मिली राकेश टिकैत को, लगातार दूसरी बार प्रशासन ने मना कर दिया। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का बहाना किया गया है, राकेश टिकैत को नहीं मिली है इजाजत। यानी ये 8 तस्वीरें बयान करती हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है किसान आंदोलन में। हिसार, रोहतक, करनाल में अलग अलग जगह पर महापंचायतें की गई और महापंचायत के भरोसे टिके हैं टिकैत। बहादुरगढ़ में महापंचायत की गई, ये 8 तस्वीरें 8 अलग अलग जगहों की हैं जहां पर महापंचायत के जरिए इस आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब ये राजनीतिक आंदोलन ज्यादा दिख रहा है। और अब देखिए महाराष्ट्र में जो महापंचायत करने की तैयारी में थे राकेश टिकैत, उसको लेकर मंजूरी नहीं मिली है। दो बार प्रशासन की तरफ से मनाही कर दी गई है कोरोना गाइडलाइंस का हवाला देते हुए, और इन्हीं महापंचायतों के जरिए राकेश टिकैत भीड़ जुटाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लाल किला हिंसा के आरोपी लखा ने अब नया वीडियो जारी किया है। लखा सिधाना ने वीडियो जारी कर फिर प्रदर्शन का ऐलान किया है। लखा सिधाना ने भटिंडा में 23 फरवरी को प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। लखा ने किसान आंदोलन के समर्थन के लिए नौजवानों को बुलाया। लाल किला हिंसा में लखा सिधाना की खोज कर रही है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें फिर से आंदोलन की बात की गई है और फिर से वो उपद्रव किया जा सकता है। मां बोली नु दुनिया दे विच शिखरां ते पहुंचाउण दे लई आपां जी जान ला देंगे, क्योंकि जवान है तां पहचान है, जे जवान मर गई तो साड़ी पहचान ने मर जाना है। बाहरले मुल्कां दे विच बैठे मैं मेरे पंजाबी भरावां नूं कहना चाहुंदा, मेरियां भैणां नूं कहना चाहुंदा कि अपने बच्चों जे अंग्रेजी स्कूलों च पढ़ाउणे आ, नहीं उत्थे पंजाबी पढ़ाई जांदी, घरां च कैदे लिया के पंजाबी पढ़ाओ। तो ये कह रहे हैं कि जहां पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती वहां अपने बच्चों को कहें कि पंजाबी पढ़ाएं उन जगहों पर। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने मुजफ्फरनगर में बुलाई किसान महापंचायत, किसानों को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका। 10 दिनों के अंदर तीसरी बार महापंचायत में प्रियंका गांधी। देखिए उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव, जिनकी अब लगातार महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और उन्हीं के कंधों पर यह पूरी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से अब इस आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी की सियासत भी देखने को मिले। प्रियंका गांधी जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में कई महापंचायत कर चुकी हैं, आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगी और दावा यह किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें बुलाया जाएगा, क्योंकि जो मांगे रखी गई है किसानों की तरफ से वो सरकार मानती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में किस तरीके से इस मसले को कांग्रेस पार्टी के फायदे के तौर पर भुनाया जाए, इसी को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर किसानों के बीच पहुंचेंगी और एक बार फिर से इसको पूरे आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज मुजफ्फरनगर पहुंचेंगी, 15 फरवरी को बिजनौर और 10 फरवरी को सहारनपुर में थी। यानी महापंचायत का ये जो प्रपंच है ये लगातार जारी है और प्रियंका गांधी जो कि उनके पास उत्तर प्रदेश का प्रभार भी है तो लगातार उत्तर प्रदेश में पंचायतों में हिस्सा ले रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा रवि की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो रही है पटियाला हाउस कोर्ट में। सुबह 10:30 बजे ये सुनवाई होगी। दिशा के वकील ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है। कल दिशा को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। टूलकिट की साजिश के मामले में आरोपी है दिशा रवि और आज जमानत पर सुनवाई होगी। टूलकिट केस में सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर, टूलकिट केस में फिर से कूदी ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि के समर्थन में उतरी ग्रेटा। दिशा की गिरफ्तारी पर ग्रेटा ने ट्वीट किया, ग्रेटा ने कहा बोलने का अधिकार सभी को है। ग्रेटा को ही दिशा ने टूलकिट शेयर किया था और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो उसकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ग्रेटा थनबर्ग, हालांकि इससे पहले विपक्ष भी हमलावर होता हुआ सरकार पर नजर आया है।